करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो वेलवेट के ड्रेस के बारे में है और बहुत ही प्यारा कलर, डार्क ग्रीन कलर है, बड़ा अट्रैक्टिव कलर है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी ड्रेस की जो सारी डिटेल्स हैं, उसके आइडिया और उसकी सारी क्रिएटिविटी के बारे में। तो ड्रेस ब्रीजे का है और वेलवेट बड़ी खूबसूरत है इसकी, बड़ी सॉफ्ट वेलवेट होती है, बड़ी लाइट वेट, बिल्कुल जैसे शिफॉन आपने वेयर की होती। कभी भी आपको वेलवेट पहन के ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई बहुत ही भारी किस्म की वेलवेट वेयर की हुई है। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा जो ड्रेस की एक लुक है ना, प्रॉपर लुक, बड़ी ट्रेडिशनल सी लुक है, बड़ी खूबसूरत। जैसे ए लाइन खुली सी शर्ट है, छोटे चौक बनाए इसके ना, बहुत ज्यादा बड़े चौक नहीं है, बिल्कुल ड्रॉप कॉर्नर्स वाले जो चौक होते हैं। ए लाइन शर्ट रख के सलवार के साथ इसको डिजाइन किया गया, किसी चीज हाई खूबसूरत ड्रेस इसकी जो पहने हुए की पिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन ड्रेस लग रहा था, मैरून के साथ कॉम्बिनेशन, ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन, ग्रीन और मैरून, रेडिश मैरून, बहुत ही प्यारा। और मतलब पहना हुआ इस कलर खूबसूरत लग रहा था इसके साथ मैं मतलब ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन पड़ा, हालांकि बड़ा पुराना कॉम्बिनेशन है, लेकिन बड़ा ही मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा यूनिक मतलब। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ड्रेस के ऊपर डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन है। वो बताया मैंने कि इस ड्रेस का जो मतलब लुक है ना, वो एक ट्रेडिशनल लुक के साथ बना हुआ है। ट्रेडिशनल लुक हमेशा ही अच्छी लगती है, इसमें बड़ी प्यारी से बड़ी आप यूनिक लुक आती है नजर। आप देखिए गले के ऊपर भी इस तरह जैसे गला बना होता है, लंबा सा नेकलाइन है उसके ऊपर। अब करीब से दिखाती हूँ, इसमें मैंने कुछ डिफरेंट क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया है, ग्रीन और रेड कलर में क्रिस्टल्स मिलते हैं। बल्कि काफी से पहले अगर ज्वेलरी हम गोल्ड की बनवाते थे तो उसके अंदर हम उसकी क्रिस्टल्स के वो मोती जो है ना लॉकेट के अंदर डलवा लेते थे, यानी उसकी चेन से बना लेते थे। बड़ा वो ट्रेंड रहा, मुझे याद है, मुझे कुछ ऐसा पहले तक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे लोग ना, हार बना लेते थे और उसके दरमियान फिर लॉकेट पहनते थे, बड़ा एक ट्रेंड था। मैंने वो मैंने मार्केट में जब लोकल मार्केट ये मटेरियल बाय करने के लिए गई तो मैंने वो क्रिस्टल्स देखे, मुझे बड़े अपील किए, मैंने कहा ये क्रिस्टल्स का यूज करेंगे क्योंकि जब इनकी रोशनी पड़ती है तो बड़े प्यारे इनकी शाइन नजर आती है। इसमें देखें कहीं कहीं वो गोल्ड के साथ पर्ल का इस्तेमाल भी है, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल भी है, स्टार वाले जो है सितारे उनका इस्तेमाल भी है। और ये सारा छोटा मटेरियल जो है स्प्रेड करके लगाया है कि थोड़ा सा फासले पे रहे और थोड़ा भरा भरा काम नहीं, उसकी लुक थोड़ी सी यूनिक रहे। मतलब हर चीज का एक स्टाइल और लुक दूसरे ड्रेस से हमेशा डिफरेंट ही होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने ड्रेस शेयर किया था, उसका और कलर था, और स्टाइल था उसका, मतलब साथ ट्राउजर था, उसकी लुक और थी। इसको इस ड्रेस की लुक को हमने थोड़ा ट्रेडिशनल रखा है, कलर भी मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन भी ट्रेडिशनल है और कलर भी मतलब खूबसूरत है, तो फिर वो ना उस ड्रेस से तो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका डिजाइन। देख उसकी नीचे जो गले के बिल्कुल नीचे तीन बने हुए हैं फूल से गोल से, उनकी मैंने सितारों से फिलिंग करवा ली है और वो सितारा नीचे प्लेन रख के ऊपर सिर्फ सितारा रखा हुआ है, यानी डबल टोन भी अगर आप बनवाएं तो ऐसा हो सकता है कि नीचे का वाला सितारा बिल्कुल सिंपल हो और ऊपर वाला सेल्फ में आप ले लें, उससे ना यूनिक लुक क्रिएट होती है। उसके साथ इसके अंदर थोड़े से वो मतलब और क्रिस्टल के मोती और क्ले शैम्पियन कलर में भी लगाए हैं और स्टोन्स मिलते हैं जिनको कहते हैं ये मतलब मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन लंबे लंबे स्टोन्स मिलते हैं मार्केट में से, उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है जो उसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कलर है और बड़ा खूबसूरत कलर है। ठीक है, सिंपल सितारे तो लगते ही है जैसे दबके के साथ सिंपल सितारे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, गले के साथ बाहर की तरफ नलकी सी बना के क्रिस्टल की और उसके नीचे सितारे रख के लगाए हुए ऊपर गले के, थोड़ा सा ऊपर वो साइडों में, बिल्कुल साइडों में, गले की साइडों में, तो वो भी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लाइट लाइट सा है, हैवी लुक नहीं बनी इसकी ना। ये इसकी नेकलाइन है व्यूअर्स। और अब आप इसके दरमियान में घेरे के ऊपर बात करें तो बाजू पे तो एक छटा सा है जिसे स्प्रेड भी आप कह लें, उसके अंदर ये के छोटे छोटे फूल हैं उसको हमने फिल किया है सितारों के साथ, मोतियों के साथ, डिफरेंट मटेरियल के साथ, उसको भी लाइट ही रखा है, बहुत हैवी नहीं बनाया ताकि इसका वेट कम रहे और ये अट्रैक्टिव भी लगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके फिलिंग करवाई है। अब आते हैं व्यूअर्स घेरे की तरफ, तो इसके अंदर भी सबसे पहले ऊपर बॉर्डर है, बड़ा प्यारा है, उसमें दबके का इस्तेमाल है, क्रिस्टल का इस्तेमाल है, डिफरेंट मटेरियल का, सितारों का इस्तेमाल है। उसके साथ ही नीचे आ जाए तो उसमें भी मोती हैं, छोटे छोटे पर्ल के मोती ऐड किए हैं, फासले पर रखा है, गैप रहे, बहुत हैवी लुक क्रिएट ना हो। उसके नीचे ही एक पर्ल्स की लाइन है, उसके नीचे फिर
वही क्रिस्टल के मोती और थोड़ा दबका, थोड़े सितारे नीचे आ रहे, तो थोड़ा सा ये वाले फ्लावर्स जरा अट्रैक्टिव थे, मैंने इनको थोड़ा फिल ज्यादा करवा दिया, क्योंकि सारी चीजों को तो फिल नहीं करना, जिस जिस पॉइंट्स को चूज किया होता है कि इसको थोड़ा हैवी करना है, इसको थोड़ा लाइट रखना है। इन फूलों को मैंने फिलिंग ज्यादा करवा ली ताकि ये प्रोमिनेंटली फिल होके इनताई खूबसूरत लुक दें। इसमें क्रिस्टल्स के मोती भी हैं, सितारे भी हैं, पर्ल भी है, दबका भी, इसमें सब कुछ ऐड किया है। और ये जो तो नजर आ रहे हैं आपको ये फ्लावर्स, ये अट्रैक्टिव बड़े लगते हैं, ये बड़ा ट्रेडिशनल लुक देते हैं, बड़े बड़े से मोटिव जो बने होते हैं मोटिव स्टाइल में, ये बड़े प्यारे लगते हैं सुराही स्टाइल में कह लें आप, ये लंबे लंबे, इसकी फिलिंग जब होती है तो और अट्रैक्टिव लगते हैं। उसके साथ ही नीचे फिर एक लाइन है, उसके अंदर भी वही सितारे का इस्तेमाल है, क्रिस्टल है, दबका है, छोटा छोटा मटीरियल इस्तेमाल किया है, दूर दूर करके लगाया है, उसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया, उसकी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि ड्रेस को भी लाइट रखना मकसद होता है, थोड़ा सा वेलवेट का भी अट्रैक्शन अपनी जगह पर है, और थोड़ा सा ये कि बहुत हैवी ड्रेस करना के करने का मकसद होता है कि बाद में वही बात आती है कि वेयर नहीं कर सकते आप, वेयर नहीं कर सकते, तो आप उसको ज़रा लाइट ही रखें। काम मटेरियल के साथ अट्रैक्टिव तो लगता ही है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हर ड्रेस को हैवी लुक के साथ बनाना ज़रूरी नहीं। जैसे आजकल सीज़न है, वेडिंग का भी है, मतलब चलता ही रहता है ऑल ओवर ईयर, लाइक उसमें आप कर सकते हैं कि जो ड्रेस ब्राइडल के बनाते हैं आप, उसमें इस तरह ट्रेडिशनल लुक के ड्रेसेस बनाएं, थोड़ा सा लाइट लाइट काम के साथ, के कभी भी वियर किए जा सके किसी बात में, पार्टी पे भी। बनाएगी इसका बांटो भी ये है ड्रेस का, कि थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मटेरियल स्प्रेड करके, थोड़ा लाइट लाइट करके लगाया है। नीचे आ जाए तो व्यूअर्स वही गोल्ड के अंदर और मैरून कलर के अंदर पाकिस्तानी रॉ सिल्क की कपड़ा लेके उसकी खुद से पट्टी बनवाई है, वो बहुत प्यारी लग रही है, इसके साथ अच्छी पट्टियाँ उसको बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये तो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, हमेशा की तरह ये वाला स्टाइल मेरा फेवरेट है, मुझे कहाँ कहीं भी कोई मौका मिले तो भाई रू बनवा लेती हूँ, जिस तरह मैंने इसके ऊपर बनवा लिया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लाइक मैं चौक दिखाती हूँ आपको, इसके चौक जो है वो छोटे हैं, मैंने बताया क्योंकि शर्ट जो ए लाइन है तो नीचे की तरफ तो ये पट्टी लगा ली डबल शेड में, तो वो चौकों की तरफ वही गोल्डन पट्टी मगजी के साथ लगाई है। नीचे भी देखिए आप, थोड़ा सा आप अगर टर्न की मेरी शर्ट तो काम हुआ है, तो आप देखिए काम की नफासत का मैार ये होना चाहिए कि जब आप काम करवाएं तो ये नहीं है कि नीचे थ्रेड है और फिर रहे इसी तरह ही, मतलब लंबे लंबे धागे हैं, काम इतनी मजबूती से इतने खूबसूरत अंदाज से, मेरी टीम हमेशा ही इंप्रेसिव काम करती है, यानी मेरे जितने वर्कर्स हैं वो काम करने वाले हों, स्टिचिंग के ऊपर बात हो, सारी चीज़ें वो मैं उनको क्लीनली ऑब्जर्व करके छोटी 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 चीज़ों को, मतलब डिटेल्स मैं देख रही होती हूँ, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही होती। इसी तरह इसके बाजू बने हुए हैं, बर्ड्स बाजू के ऊपर भी वही डबल शेड में पट्टी लग के स्टार्टिंग में, ऊपर बड़े मोटिव्स हैं और सितारे और उसमें क्रिस्टल के मोती और ये छोटी छोटी चीजें मैंने बताया इस ड्रेस में इस्तेमाल किए, ताकि इसको थोड़ा सा लाइट वेट भी रखा जाए, ट्रेडिशनल भी रखा जाए, खूबसूरत भी लगे, अट्रैक्टिव कलर है ग्रीन, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर। अच्छा, इसके साथ हमने शलवार बनाई है, शलवार भी मैंने कह रहा कि बार बार मैं कह रही हूँ कि ट्रेडिशनल लुक है, तो ट्रेडिशनल लुक में शलवार बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बल्कि मैं कहती हूँ कि शलवार में मैं हील के साथ आप वियर करें तो बड़ी कॉट स्कॉट लुक आती है। आपके साथ पिक्स शेयर करूंगी, आपको आइडिया होगा कि शलवार के साथ भी ये ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा था। दुपट्टे में बात कर लेते हैं, जैसे आज का ट्रेंड है तो ऑर्गेंजा का चला हुआ है, तो ऑर्गेंजा के दुपट्टे बड़े इन थे, कॉपर और गोल्डन शेड के साथ हमने इसको ऑर्गेंजा का दुपट्टा लिया है, इसके साथ दुपट्टा भी बड़ा प्यारा कलर सिंपल लिया है, देखिए उसके अंदर गोल्ड का डिजाइन बना हुआ है, मार्केट लोग का मार्केट से दुपट्टे आम मिल रहे हैं। मैंने ड्रेस तो अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत था नो डाउट, लेकिन मैंने जो चीज फील की कि जब आप ज्वेलरी इसके साथ ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत थी मैरून कलर में गोल्ड में, और दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा कि ऑर्गेंजा का दुपट्टा इसके ऊपर बड़ा उठा, यानी पहनने के बाद उसकी लुक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लुक आई, क्योंकि आप अक्सर चीजें पहनने के बाद भी कुछ आइडिया होता है कि पहन के वो चीज आपको कैसी लग रही है, पहन के भी बहुत प्यारा लगा, मतलब कि मैरून कलर उसके साथ जो दुपट्टा था ना बड़ा वो मतलब डिफरेंट लुक दे रहा था सूट को ना। तो व्यूअर्स ये एक कंप्लीट लुक आपको अगेन मैं दिखा रही हूँ, शलवार है, ए लाइन कमीज है, खुले घेरे के साथ है, ड्रॉप कॉर्नर है, छोटे चौक के साथ शर्ट बनाई हुई है, दुपट्टा है ऑर्गेंजा में, तो ये एक मतलब इसकी कंप्लीट लुक है। आपको बस ये ड्रेस कैसा लगा, इसका कलर, इसका आइडिया, इसकी क्रिएटिविटी और मेरा जितना भी इसके ऊपर काम है वो आपको कैसा लगा है वो अपने कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।